हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक चित्तौड़ आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11 का बायोलॉजी का एक बेसिक चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर एक बहुत ही बेसिक है, इसके बिना कोई बायोलॉजी नहीं। आप किसी से ही पूछते हैं व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, सेल सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब इसका सेल जो होता है हर एक प्रोसेस कर सकता है, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आल्सो, एटीपी प्रोडक्शन वगैरह सब कर सकता है। और सेल से ही एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। सभी एनिमल्स प्लांट ऐसे ही हैं। सेल जो है पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक, बट इट इज नॉट अ लाइफ सेल, इट इज डेड सेल, डेड सेल, डेड सेल। ही डिस्कवर्ड, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम, देन अ लाइफ सेल, लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन एंटोनी वॉन लीवन हॉक। इन साइंटिस्ट ने एक लाइफ सेल की डिस्कवरी की, और इसने कैसे की, रेन ड्रॉपलेट्स जैसे ही जमीन पर पड़ी उसे उठाया, माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया और एक बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंड ही नेम्ड इट एनिमल क्यूल। एनिमल आफ्टर सेल डिस्कवरी, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय टू साइंटिस्ट स्कीडेन एंड स्वान इन 1839। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी ये 1839 में प्रपोज की गई बाय टू साइंटिस्ट स्कीडेन और स्वान। स्वान स्वीडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल पर स्टडी की, और स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल पर स्टडी की। स्वीडन ने देखा कि प्लांट सेल में एक स्पेसिफिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन स्वान ही स्टडीड एनिमल सेल एंड डिस्कवर्ड दैट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल सेल इज द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। They together proposed which explain organism are made of cells and product of cells, product of cells. But these two scientists
cannot explain the production of new cells. Then in 1855, Rudolf Virchow extended the cell theory and explained the production of new cells. And then he re-proposed the cell theory in 2 points. Let me tell you. In first point of cell theory of Rudolf Virchow, organism are made of cells and product of cells. Second point, new cells arises, they are formed from pre-existing cells. Means omnis cellula e cellula. After proposition of cell theory, cell are of two types. One, cells are of two types. First, prokaryotic cell and second, eukaryotic cell. Prokaryotic cells are those cells which contain primitive type of nucleus. Means they have no cell membrane and stone protein. But in eukaryotic cell, the modern type nucleus present. Means cell membrane nucleus is covered by double membrane with porous. Then I'll tell you some important points. It's usually asked in competition level, NEET and AIIMS. Robert Hooke ने एक बुक लिखी, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया, MICROGRAPHIA. Then Antony von Leeuwenhoek wrote The Secrets of Nature. The Secrets of Nature. In next lecture, I'll tell you the brief introduction of eukaryotic and prokaryotic cell. First, but जब तक आप मुझे कमेंट में लिखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स
किन किंगडम में प्रेजेंट होता है, किन किन किंगडम में प्रेजेंट होता है। एंड यूकेरियोटिक सेल किस किंगडम में प्रेजेंट होता है, दिस इज बेसिक। इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट में लिखें, कमेंट में, ठीक है, ओके, थैंक यू।